अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये कैसे हैं? ये देख सकते हैं ये सारी मटकियाँ अब धुलने के फेस में आ गई हैं। अब ये इंशाल्लाह ताला अभी बारिशें होंगी तो उसमें ऑटोमेटिक धुल जाएगी। और जो रही किसी के सर, मैं ख़ुद धो के इनको फ्रेश करूँगा। तो ये देखिए, जिस तरह आप देख सकते हैं माशाल्लाह, ये सारे मेरे ब्रीडर पेयर हैं। और बस अब ये रेडी हैं क्योंकि जावा का ब्रीडिंग सीज़न पहले स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया था कि मटकियाँ आप नेक्स्ट वीक तक रेडी हो जाएंगी, उसके बाद इनको दोबारा ब्रीड पे लगा दिया जाएगा। और ये मेरे पास कॉर्न, एगेट, पेस्टन, ये सब पड़े हुए हैं और इनको इंशाल्लाह ताला हम पेयरिंग कर देंगे 1 to 2 वीक तक। और इंशाल्लाह ताला अगस्त के 1st 10 तक ये रेडी होंगे और ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद फिर ब्रीड ही ब्रीड है, आपने पूरे साल इनसे ब्रीड लेनी है और मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। अभी ये सारे फ्लाइंग पे हैं, फ्लाइंग भी बहुत ज़रूरी है, इसमें ये फिट हो जाएंगे, जो भी इनमें कमी होगी, जो फैट होगा वो सारा उतर जाएगा इंशाल्लाह ताला। और उसके बाद ब्रीड के लिए फुल रेडी। ये तकरीबन कोई 100+ पेयर हैं और जैसे ये भी तकरीबन 100+ पेयर हैं। तो आप लोग भी अपनी शेयर करें कैसी तैयारी हो रही है। दिन अब कम रह गए हैं तो जिन्होंने अपनी पेयरिंग पूरी करनी है पेयरिंग पूरी करें, जिन्होंने बाइंग करनी है बाइंग करें, क्योंकि इसके बाद मौका नहीं मिलेगा आपको। ये देखें, ये अगेट मेरे पास है।